दोस्तों बिग बॉस के वीकेंड के वार पर क्या भारती सिंह और कृष्णा अभिषेक ने विवियन डिसेना की डिसरिस्पेक्ट की है? जी हाँ, बिग बॉस का लाडला विवियन डिसेना जहाँ पर भारती सिंह और कृष्णा अभिषेक कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपके घर में आलू का फंडा बहुत ज्यादा ही फेमस है और आलू पर तो आपका पूरा एपिसोड निकल गया। जी हाँ, जहाँ पर नायरा को कहते हैं आपने तो कह दिया कि आलू पर अब एपिसोड निकल ही गया है, तो भाई अब दोबारा लड़ाई क्यों कर रहे हो? जहाँ पर विवियन डिसेना कहते हैं आलू क्या आलू की टिक्की यार, हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। जहाँ पर 3 से 4 बार दोस्तों विवियन आलू की टिक्की वाला पॉइंट भारती को बताना चाहते थे, लेकिन भारती और अभिषेक ने सुनी भी नहीं। जहाँ पर दोस्तों वो सामने देखते हैं विवियन के और इग्नोर कर देते हैं। जहाँ पर कहते हैं कि बिग बॉस का लाडला विवियन डिसेना है, लेकिन भाई सलमान खान भी विवियन को कहते हैं जिस तरीके से आपको कलर्स का लाडला बताया जा रहा है, लेकिन जैसा आपको कह रहे हैं वैसा आप कुछ करते हुए अभी नजर नहीं आ रहे हो, आप थोड़ा निखरिए ताकि दोस्तों लोगों को आप पसंद आए। जहां पर भाई बात करें तो भारती भी कहती हैं विवियन को बिग बॉस के लाडले ही सही, लेकिन भाई दिखे तो नहीं हो। जहां पर कहते हैं ईसा को यार बिग बॉस की लाडली तो इससे भी थोड़ा होना चाहिए, और बिग बॉस की लाडले तो सबसे ज्यादा भाई हम हैं और हम के आगे झुक कर रहना पड़ेगा आप सबको। यदि हमारे आगे आप झुक कर रहोगे तो आपको काम सदा मिलता रहेगा, क्योंकि भाई 30% आरक्षण कलर्स के अंदर हमारा है। जिस तरीके की बातें करते हुए भारती और अभिषेक नजर आए। जहां पर भाई आज हर कोई विवियन को बात तो कर रहा था, लेकिन भाई विवियन को थोड़ा थोड़ा दोस्तों लोग ट्रोल भी कर जा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है इन ट्रोलर की वजह से दोस्तों क्या विवियन डिसेना बिग बॉस की शो में और निखर कर आएंगे और अपना भी मुद्दा दोस्तों बिग बॉस के अंदर बनाएंगे और दोस्तों आने वाले समय में बड़ा कॉन्टेंट देने वाले हैं विवियन डिसेना? क्योंकि जिस तरीके से बिग बॉस के अलावा सलमान खान भारती और जो दोस्तों आ रहे हैं वो थोड़ा सा दोस्तों विवियन को हिंट दे रहे हैं कि आप थोड़ा और ज्यादा निखरिए। बाकी दोस्तों इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं, साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।